नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। आज ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम में भारतीय लेख परीक्षा एवं लेख विभाग का क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ संपन्न। इस टूर्नामेंट में 8 राज्यों से क्रिकेट टीमें उपस्थित रही, जिसमें फाइनल मैच गुजरात एवं मध्य प्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें ग्वालियर के कई महिला एवं पुरुष मैच का लुत्फ उठाते दिखे। हमारा जो भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का जो टूर्नामेंट है, ये बेस्ट जो टूर्नामेंट है और ये इसमें 7 स्टेट्स की टीमें भाग लेती हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की 2 टीमें भोपाल और बेंगलोर, इसी प्रकार से राजस्थान की 1 टीम है और गुजरात की 2 टीमें राजकोट और अहमदाबाद और मुंबई और नागपुर, ये महाराष्ट्र की टीमें हैं। तो ये जो मैच हो रहा है, इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं, ये लगभग इसमें 60-70 खिलाड़ी ऐसे हैं जो रणजी ट्रॉफी के हैं। अभी काफ़ी सारे प्लेयर्स हमारे ऐसे हैं जो तो अभी भी रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक खिलाड़ी है अभी हमारे यहाँ अंकित शर्मा, वो IPL भी खेल रहे हैं और अमित शर्मा है जो हमारे यहाँ अभी भी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। अभी नागपुर की टीम आई थी, उसमें 6 खिलाड़ी, अभी विदर्भ जो ग्वालियर से यतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।